खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। इंदौर देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार भाजपा के घोषित उम्मीदवार का विरोध हो रहा है। भाजपा संगठन को दीनदयाल उपाध्याय श्याम प्रसाद मुखर्जी के विचारों के अनुसार कार्य करना चाहिए। देपालपुर का जनमानस चाहता है कि स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए। भाजपा और संघ में विभिन्न पदों पर रहकर कार्य करने वाले सक्रिय समर्पित कार्यकर्ता संतोष मालू ने समय जगत से चर्चा करते हुए कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि हम निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए काम करते हैं। संगठन को इस विषय में चिंतन करना चाहिए। भाजपा के कार्यकाल में अनेक विकास कार्य हुए, उम्मीदवारी टिकट खरीदा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। संतोष मालू ने समय जगत को बताया कि उन्होंने दावेदारी नहीं की। दावेदारी और टिकट मांगने की जरूरत उन्हें होती है जो कार्यकर्ता नहीं है। समय जगत के लिए मैं इंदौर से मदन भगत आज देपालपुर पे हम आए हैं विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए। तो संतोष मालू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। संतोष मालू जी को पिछले कई वर्षों से निर्भय सिंह जी पटेल की मृत्यु के बाद से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इस बार देपालपुर क्षेत्र में परिवर्तन की मांग है और स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने के लिए कहा जा रहा है। मानी जी, पहले बात तो ये परिचय से आप ये बताएं कि आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं। मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और मैं 80 से लेकर 92 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैंने कार्य किया है। नगर से लेकर जिला, जिला से प्रदेश, प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यक्रम के पदों पर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मैं प्रदेश मंत्री रहा हूँ, इंदौर संभाग का प्रभारी रहा हूँ, राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार मंडल का सदस्य रहा हूँ। वही वर्तमान में भागीरथी लाट महाविद्यालय जन भागीदारी अध्यक्ष का दायित्व है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए और जो आम पब्लिक में जो बात आ रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले आज तक नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो आज जो स्थिति बनी, तो जनमानस का मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं सक्रिय कार्यकर्ता। आपने आवेदन किया या आपने मांग की कि आपको उम्मीदवार बनाया जाए? चक्कर क्या है, आवेदन उनको दिया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता है। अब हमने आज जो संगठन में काम कर रहे हैं वो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष जी हो गए, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो लोग हैं, हमने काम किया साथ में विद्यार्थी परिषद। अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं देपालपुर में, जो जिनको अभी घोषित किया गया है मनोज पटेल को, इनका परिवार लंबे समय से नेतृत्व कर रहा है देपालपुर विधानसभा का, तो आपको क्या लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, इस बार स्थानीय व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए? जी भाई साहब, आपका सबसे पहले मैं समय जगत को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बात को उठाने के लिए आज हमारे पास में आए। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में मेरे से अगर ये बात पूछ रहे हो तो ये आपका कहना सही है कि जब हम दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करते हैं, श्यामा प्रसाद जी की बात करते हैं, तो दीनदयाल जी उपाध्याय जी का ये बोलता था कि हम नीचे के कार्यकर्ताओं का निर्माण करने के विचारधारा दी। बाकी आज वो भारतीय जनता पार्टी में वो विचारधारा नहीं रही। क्यों नहीं रही? ये निष्ठावान कार्यकर्ताओं की इज्जत, तो क्योंकि ये निष्ठावान कार्यकर्ता तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं और हम हैं, आज भी हैं और काम करेंगे पार्टी का। बाकी ये काम संगठन को सोचना चाहिए कि हम जब दीनदयाल जी के विचारों को लेकर काम करने वाले हैं, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के विचारों को लेकर हम काम करने वाले हैं और हमने जीवन भर इस राष्ट्र के लिए कार्य करना है, हम करते रहेंगे। बाकी पार्टी ने इस पर चिंतन करना चाहिए। आज की स्थिति में जो मनोज पटेल को नाम घोषित किया गया है उम्मीदवार के रूप में और उनका विरोध हो रहा है पिछले चरण में, तो ऐसी स्थिति में आप मानते हैं चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में जाएगा? मेरा ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन ने जो काम किया उनने उनका काम किया, दूसरा प्रत्याशी जो इस योग जो भी है मनोज पटेल जी है, तो उनने उनके जनाधार के उनके स्तर में या रिश्तेदारी के हिसाब से जहाँ जैसे हिसाब से टिकट लिया है। अब प्रजातंत्र का जो लक्ष्य समाज और राष्ट्र है और दूसरा क्या है, पब्लिक का जो रुझान होता है, राजस्थानी मुद्दे का रुझान है और ये मैं तो पार्टी के साथ हूँ, पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसके साथ में हूँ। बाकी अब आम पब्लिक का रुझान क्या है, ये पब्लिक इस बार ऐसा क्यों चाह रही, परिवर्तन क्यों चाह रही है, या मनोज पटेल के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्या कारण है? मनोज पटेल हो कि भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस से विशाल पटेल हो, यहाँ का भी आज जनमानस जो है वो स्थानीय ओर चाहता है, क्योंकि हर आदमी चाहता था कि हमारे घर में पड़ोसी भी, अभी तक हमने क्या करा कि शिवाजी पैदा हो तो पड़ोसी घर में होना चाहिए, बाकी आज पब्लिक ये चाहती है कि हमारे घर में शिवाजी पैदा, क्योंकि जो कार्यकर्ता या आम पब्लिक परेशान रहती है, विधायकों के पास कोई किसी के पास इंदौर जा रहे हैं तो कोई समय पर कोई व्यक्ति मिलता नहीं, वो विशाल पटेल हो के कोई भी हो। मनोज पटेल को 13वीं बार विधायक कर मुफ्त, परिवार से मनोज पटेल आते हैं उसमें 13वीं बार जो है पटेल परिवार को विधानसभा के उम्मीदवार का अवसर दिया गया है, क्या ये परिवारवाद है?
क्या भाजपा में भी टिकट बिकते हैं और जो खरीददार हैं उनको अवसर दिए जाते हैं? क्या पुरानी जो परंपरा रही है भाजपा की अच्छे लोगों को अवसर देने की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ऐसा कुछ है? ऐसा लग तो यही रहा है। आज जो है संगठन के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनका हमेशा शोषण ही हुआ है और फिर दबाया जाता है। हम जैसे मैं ये भी एक कार्यकर्ता हूँ, अब मैं इतनी अच्छी कोई बात बोल नहीं सकता हूँ संगठन के विपक्ष में, तक संगठन का कार्यकर्ता हूँ। जो निर्णय पार्टी करती है उसके साथ में हूँ। बाकी कब तक दबाएंगे कोई चीज़ को? जब तक हम रबड़ खींचेंगे, ज़्यादा खींचोगे टूट जाएगा। वो आम पब्लिक बता देगी क्या निर्णय लिया पार्टी ने, जो निर्णय लिया है सही किया या अच्छा किया। घर के बुद्धू घर आ जाएंगे जिनको जो ऐसा लगेगा। क्या पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए? अभी पार्टी ने संगठन ने सोचना चाहिए जनमानस की भावना को देखते हुए। इंदौर से खबर समय जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।